हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज अलायंस के बारे में। हम जानेंगे बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बैकग्राउंड के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर किस तरीके का क्लेम रेशो रहा है, कस्टमर को किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि क्लेम रेशो से ही वो पता लगता है, राइट। उसके साथ असेट्स के बारे में भी जानेंगे, इनकी असेट्स क्या है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और अगर आप एक कस्टमर हैं, आपके पास इनका पॉलिसी है, लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपको पूरी तरीके से हेल्प करने वाली है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या नेगेटिव माइंडसेट के साथ। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जानने के लिए बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आप आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों के प्रश्नों के अनुसार ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के रूप में शेयर करते हैं। ये वीडियो भी एक प्रश्न का ही उत्तर है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित्रा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पे। हम सबको पता है इंडिया के अंदर बजाज काफी ज्यादा फेमस है, तो बजाज के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले जानते हैं इनके पार्टनर के बारे में, द अलायंस ग्रुप के बारे में। अब एक ग्रुप का नाम है तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब इस ग्रुप के जो फाउंडर थे उनका नाम था कार्ल वॉन थाइमे। 1890 में बर्लिन में ये ग्रुप उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब जो हेडक्वार्टर इनका म्यूनिक में है, जर्मनी बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस समय जो इनके की पर्सन है उनका नाम है ओलिवर बेट। अब और इसी के साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसकी मैन पावर देखना चाहते हैं कितनी है, तो दिसंबर 2019 तक जो इनकी मैन पावर थी वो थी 1,47,268, और दिसंबर 2019 तक इनका जो टोटल असेट था वो था 1.011 ट्रिलियन यूरो। ओके, अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर बिजनेस है, हमेशा से जो कोर बिजनेस है वो रहा है इंश्योरेंस एंड असेट्स मैनेजमेंट। तो इस वजह से इन्होंने इंडिया में वर्क करने के लिए बजाज के साथ में यहाँ पे आके ज्वाइंट वेंचर किया, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब जो एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन हम होती है, हम उनको ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर ही बोलते हैं, तो ये ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर ग्रुप है। अब बात करते हैं बजाज की। देखिये बजाज ग्रुप के बारे में हम सबको पता है, हमने एक टैगलाइन सुनी थी, तब से बच्चा बच्चा बजाज का नाम जान गया था, बुलंद भारत की, आगे नहीं बोल सकते हम, बुलंद भारत की आपको पता है हमारा बजाज, ऐसे करके इनका टैगलाइन था, काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो उस समय पता चलता है कि ऑटोमोबाइल में भी ये है, होम अप्लायंसेस में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, आयरन एंड स्टील में भी है, और इसी के साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके अब इंश्योरेंस में भी ये वर्क कर रहे हैं। बजाज ग्रुप के जो फाउंडर थे उनका नाम था श्रीमान जमनलाल। टीम मेंबर है वो सारे मोस्टली बजाज ही है, जैसे कि राहुल बजाज, राजीव बजाज, संजीव बजाज, शेखर बजाज, राइट एक्सेट्रा। 1926 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू दोनों ही ग्रुप के बारे में। अब इतना जानने के बाद हम कह सकते हैं कि बजाज ने एक सही पार्टनर चूज किया है पार्टनरशिप के लिए, इंश्योरेंस कैटेगरी में वर्क करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस ग्रुप को उन्होंने चूज किया है। अब जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी और जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर इन्होंने वर्क कब स्टार्ट किया। आज से 19 साल पहले बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये शुरू कर चुके थे, वर्क स्टार्ट कर चुके थे मार्केट में। आज के टाइम में जो इनके सीईओ हैं, जो की पर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, उनका नाम है श्रीमान तरुण चुंग। और एट प्रेजेंट लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर 582 अप टू इनके पास ब्रांचेस हैं, और 80,000 से ज्यादा है इनके पास में एजेंट लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के लिए। और दिसंबर तक 2019 तक जो इनका असेट था वो 56,000 से भी ज्यादा हो चुका था, 56,000 करोड़ से ज्यादा इनका टोटल असेट्स हो चुका था लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर। और अगर हम बात करें कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने कैसा क्लेम दिया है, क्या रहा है, तो वो रहा है 91% से लेके 95% के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो ये भी आज से 19 साल पहले मार्केट के अंदर आ चुकी थी। इनके एट प्रेजेंट जो एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है श्रीमान तपन सिंगल। और इस सेगमेंट में जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर इनके पास जो एजेंट है, जिसकी लिस्ट आपको गूगल पे बड़े आराम से मिल जाएगी, अगर आप लिख देंगे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एजेंट लिस्ट, तो वो लिस्ट निकल के आ जाएगी। वहां पे आपको पता चलेगा कि अप टू 40,000 इनके पास में एजेंट्स अभी एक्टिव हैं, अप टू 40,000। ओके, बात करें ब्रांचेस की तो अप टू 200 से ज्यादा इनके पास ब्रांचेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांचेस में यहाँ पे कम क्यों बता रहा हूं। देखिए ये मैं बता रहा हूँ जो मेन ब्रांचेस होते हैं कंपनी जो अपनी तरफ से खुद ओपन करती है, बाकी
जब एक कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ या किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ में अपना टाई अप करती है तो वो भी उसकी एक सब्सिडरी ब्रांच के तौर पे काउंट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि बजाज अलायंस ने यहाँ पे टाई अप किया हुआ जैसे कि यूनियन बैंक से, फॉर एन एग्जांपल, तो मान लीजिए यूनियन बैंक की अगर शाखाएं 4,500 हैं, मान लीजिए अगर इतनी है तो ये भी बोल सकते हैं बजाज अलायंस वाले कि आप हमारे 4,500 अलग अलग सेंटर में जाके हमारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ये लोग ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से 4,500 भी आप इनकी ब्रांचेस मान के चल सकते हैं, लेकिन हार्डकोर तौर पर देखा जाए कंपनी की तरफ से तो वो नंबर्स इतने ही है। अब बात कर लेते हैं स्टेक होल्डरशिप की कि किसके पास कितना है, जिससे हमें और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अब वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी हो चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी हो, दोनों में ही बजाज अलायंसा का जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है उसके पास में 74% स्टेक होल्डरशिप है इंश्योरेंस कैटेगरी बिजनेस के लिए, ओके, और अलायंस एसी के पास में है 26%। तो मतलब कि बजाज ग्रुप के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है बजाज फिनसर्व लिमिटेड और अलायंस ग्रुप के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है अलायंस एसी, इन दोनों के साथ में यहाँ पे ये है ज्वाइंट वेंचर, ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका जो असेट्स है वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका था दिसंबर 2019 तक ही, और जो क्लेम रेशो था लास्ट 5 ईयर्स का वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में इन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया लास्ट 5 ईयर्स में। 2014-15 के अंदर जो कंपनी ने टोटल ग्रॉस प्रीमियम अर्न किया वो था 5,301 करोड़ रुपीज का, और जो क्लेम रेशो था कंबाइंड क्लेम रेशो था वो था 96.7% का। सॉल्वेंसी रेशो 31 मार्च 2015 पे था 1.82% का, और जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट थी 2014 में वो थी 7,859 करोड़। नेक्स्ट ईयर 2015-16 में जो ग्रॉस प्रीमियम अर्न हुआ वो था 5,901 करोड़ रुपीज का, क्लेम रेशो था जो कंबाइंड क्लेम रेशो था वो था 99.3%। सॉल्वेंसी रेशो बढ़कर हो गया 2.51% का, और जो असेट्स था वो भी इंक्रीज हो गया अंडर द मैनेजमेंट, वो हो गया 9,211 करोड़ का। 2016-17 में 7,687 करोड़ का टोटल ग्रॉस प्रीमियम अर्न हुआ यहाँ पे, क्लेम रेशो कंबाइंड क्लेम रेशो यहाँ पर हुआ 96.8% का, सॉल्वेंसी रेशो और बढ़कर के हो गया 2.61%। 2016-17 में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट था 10,829 करोड़ का, और 2017-18 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 9,487 करोड़ का टोटल ग्रॉस प्रीमियम, 92.3% का कंबाइंड क्लेम रेशो, और सॉल्वेंसी रेशो 31 मार्च 2018 पे हुआ 2.76%, और जो असेट्स था अंडर द मैनेजमेंट 2017-18 में वो हो गया 14,823 करोड़। नेक्स्ट ईयर 2018-19 में जो कंपनी का टोटल ग्रॉस प्रीमियम आया वो आया 11,097 करोड़ का, और जो कंबाइंड क्लेम रेशो था वो था 96.7%, और जो सॉल्वेंसी रेशो था 31 मार्च 2019 पे वो हो गया 2.55%। असेट्स अंडर द मैनेजमेंट हुआ 17,237 करोड़। देखिए सॉल्वेंसी रेशो आप कैसे निकालेंगे, क्लेम रेशो कैसे निकालेंगे, वो सारी डिटेल मैंने HDFC एर्गो की जब डिटेल बनाई थी, एक वीडियो बनाया था राइट उनकी कंपनी के बैकग्राउंड के ऊपर, उसमें मैंने सब कुछ बताया कि कैसे क्लेम रेशो निकालते हैं, कैसे सॉल्वेंसी रेशो निकालते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो यहाँ पे क्लेम रेशो बताया वो बताया कंबाइंड क्लेम रेशो। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी जानने के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में इनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, तो वहां पे भी घबराने की बात नहीं है, इन्होंने जो परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखा है। फॉर एन एग्जांपल अगर 2018-19 का ही हम ICR देखें जिसे हम इनक्योर्ड क्लेम रेशो बोलते हैं, वो 85% से ज्यादा था, और क्लेम रेशो की बात करें तो वो 93% से ज्यादा था जो क्लेम रेशो था 2018-19 में। तो हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में भी अच्छी तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलेगा आपके प्रश्नों का और ज्यादा उत्तर देने के लिए। तो चलता हूं, विदा लेता हूं आपसे, लेकिन जाने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। चलता हूं, विदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। राइट, थैंक यू सो मच।